दोस्तों, अगर आप 2023 के अंदर व्हाट्सएप का यूज करते हैं और आपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लिया है तो आपके व्हाट्सएप के अंदर एक न्यू सेटिंग आ चुकी होगी। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी व्हाट्सएप का पर ओपन कर लेता हूँ, ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, सेटिंग के अंदर आ जाता हूँ। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग दिख रही होगी, स्टोरेज एंड डाटा। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे मैं सबसे नीचे आता हूँ तो सबसे नीचे यहाँ पर एक सेटिंग दिख रही है, प्रोक्सी सेटिंग। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर यूज प्रोक्सी का यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ चुका है। लेकिन दोस्तों सेटिंग अभी यहाँ पर ऑन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, हमें इस सेटिंग का यूज कैसे करना है और कब इसका यूज करना है, वो सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कौन सा अपडेट है, कौन सा फीचर है जो आपके व्हाट्सएप के अंदर आ चुका है। आप भी जानना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर होता है कोई पैसा नहीं लगता, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना है। न्यू वीडियो हमारी कोई भी अपलोड होगी ना, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगी और दोस्तों आप नई नई ट्रिक सीख सकेंगे। इसके बाद आपको सिंपली कमेंट कर देना है यहाँ पर, व्हाट्सअप न्यू अपडेट, आपको सिंपली इसको लिख कर यहाँ पर कमेंट कर देना है। जैसे इसको कमेंट करते हैं तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी व्हाट्सअप की उस अपडेट के बारे में जानने के लिए, कौन सा अपडेट है और कैसे आपके फ़ोन के अंदर वर्क करेगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा है यूज प्रोक्सी और सबसे नीचे लिखा है कनेक्शन। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, तो अक्सर क्या होता है, व्हाट्सएप कुछ कंट्री में बैन है, जैसे कि इंडिया में यहाँ पर बैन नहीं है, लेकिन अगर आप चाइना में जाओगे तो चाइना में व्हाट्सएप नहीं चलती है। या फिर दोस्तों बहुत से कुछ लोकेशन होते हैं, बहुत से एरिया होते हैं, बहुत सी कंट्री हैं जिनमें व्हाट्सएप यूज आप नहीं कर सकते, उनके सर्वर पर व्हाट्सएप अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पर व्हाट्सएप आपकी नहीं चलेगी। आप किसी को मैसेज सेंड करेंगे या फिर आपको कोई अर्जेंट डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करना है तो आप वहाँ पर सेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों उसके लिए व्हाट्सएप ने आपके लिए बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है। आपको सिंपली क्या करना है, प्रोक्सी पर यहाँ पर क्लिक करना है, यूज प्रोक्सी पर, और आपको सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पर ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेट प्रोक्सी पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक प्रोक्सी नंबर होता है, जैसे कि आपको कोई भी कंपनी फ्री में प्रोवाइड करा देगी, फ्री में बहुत सारी कंपनियां जो प्रोवाइड कराते हैं, फिर आप इसको पेड भी बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, अगर फ्री में आपको इसको यूज करना है, गूगल पर जाना है और गूगल पर सर्च करना है फ्री प्रोक्सी वगैरह, आप कुछ भी सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारे यहाँ पर कंट्री के प्रोक्सी पिन वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर उनको लिख लेना है जो भी है, और लिखने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप उस कनेक्शन से, जी हाँ दोस्तों, जिस भी कंपनी का आप प्रोक्सी यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसके नेटवर्क से आप यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे, और आप बहुत ही आसानी से किसी को मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, आपका जो आईपी एड्रेस होता है वह उस कंपनी के पास चला जाएगा, और वह कंपनी आपको ट्रेस कर सकती है, आपके फ़ोन को ट्रेस कर सकती है, आप कहाँ से इसको यूज कर रहे हैं ये वो। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपके व्हाट्सएप को वह ट्रैक नहीं कर सकते, आपके जो मैसेज है वह उनको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का फीचर आ चुका है, जिसकी वजह से आपके जो व्हाट्सएप के मैसेज होते हैं वे हैंड टू हैंड डिलीट होते रहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर कोई प्रोक्सी का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर इंडिया में हूँ और इंडिया में व्हाट्सएप यहाँ पर बैन नहीं है, तो मैं बहुत ही आसानी से व्हाट्सएप को चला सकता हूँ। आप कौन सी कंट्री से हैं, अगर आप अदर कंट्री से हैं तो आप प्रोक्सी का यूज कर सकते हैं, अगर आपकी कंट्री में व्हाट्सएप बैन है। अगर व्हाट्सएप बैन नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से व्हाट्सएप को यूज करते रहिए। दोस्तों आई होप आपको ये व्हाट्सएप का न्यू अपडेट अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।